मालूम है कि हमारे खानदानों का नस्लों का साथ है और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके भी हमारे साथ नस्लों का होगा, ताकि हम मिलके मेहनत करके यहाँ के अवाम के मसाइल का हल निकाल। आपने अपॉइंट किया है अमीन फहीम को एज द लीडर इन योर एब्सेंस, तो आप क्या समझते हैं कि विल ही बी अ कैपेबल पर्सन ऑफ लीडिंग द पार्टी? वेल इन अ सेंस ही इज वेरी कैपेबल, ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी कैपेबल, ही इज वेरी सेंसिबल, एंड मैं तो समझती हूँ कि ठंडे मिजाज का भी है और सुजला हुआ भी है। और मुझे याद है कि उनके वालिद साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें, जो हाला से थे वो पीपल्स पार्टी में इब्तिदा में आए और पहाड़ जैसे पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे। बुरे से बुरे दिन जियाउल हक ने कितने एलची भेजे कि मखदूम साहब पीपल्स पार्टी छोड़ दें और उनके पास आए, मगर मुझे उनके स्टैंड पर फख्र है। उसने पूरे सिंध को और पूरे पाकिस्तान को ऐसे मौका फ्राहम किया कि वी कुड होल्ड आवर हेड्स अप हाई, कि देयर आर पीपल हु आर अनसेलेबल। और अभी भी जो मखदूम साहब हैं वो अपने वालिद साहब मरहूम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और पहाड़ जैसे मेरा साथ दिए हैं। इक्तदार जो चीज है ना, चमकती है। लोग कभी सोचते हैं कि मौका मिल रहा है, हम मौका लें, मगर ये वजनी लोग हैं। और अपने आई एम वेरी लकी टू हैव पीपल लाइक मखदूम अमीन फहीम विद मी। So I think he's very capable of this.